Assalamu alaikum, students. How are you all? I hope you all are fine and safe in your homes, and it's our computer lecture, and I'm your teacher, Mamuna Javed. I hope you all are fine and safe, and uh, the topics we will read in this lecture are first generation computer. The subtopic of first generation computer is ENIAC. We will read in this lecture. This topic we will read in this lecture. In previous lecture, we read first generation computer, Mark One. In previous lecture we will read Mark I and now we will read ENIAC. Now, in evolution of a computer there are five generations. First generation computer, second generation, third generation, fourth and fifth. These are the part of first generation computer. Mark I and ENIAC and the some five parts five basic computers are in first-generation computer Mark 1 and ENIAC. Now in this lecture we will read ENIAC and these three we will read in next lecture. So first of all we will read ENIAC. It is given in your page number here इन पेज नंबर फोर ऑफ योर बुक एंड दिस टॉपिक इज़ हेयर और यहाँ पर मैंने इसको फुली फॉर्म में भी प्रजेंट किया है सो so, ये टॉपिक आज हमने रीड आउट करना है ये थोड़ा सा मार्क वन और बाकी तमाम टॉपिक से लेंथी है चलें इसको हम इसीलिए आज सिर्फ हम एन ई एक को रीड आउट करेंगे इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो आपने याद करनी है पहली बात जो आप लोगों ने जहन नशीन रखनी है डेट वॉज़ द एब्रिविएशन ठीक है एनी एक्सटैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक ई न्यूमेरिक इंटीग्रेटर आई एंड कंप्यूटर ठीक है ये आपको एम सी क्यूज़ वगैरह में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का एब्रीविएशन या एन ई एक्स का एब्रिविएशन आपसे पूछा जा सकता है सो so, सबसे पहले हम रीड आउट करते हैं जैसा कि तमाम कंप्यूटर्स के बारे में सबसे पहले हमारे आता था कि ये किसने डेवलप किया और कब डेवलप किया तो इसी तरह मार्क वन आ, का भी हमने रीड आउट किया था किसने डेवलप किया और कब डेवलप किया और अब इसका है एनीए का कि ये किसने डेवलप किया एनीए वाज डिवेल्प बाय द जॉन ये टू साइंटिस्ट ने इनको डिवेल्प किया था जॉन प्रेस्पर एंड जॉन डब्ल्यू मेकियर इन नाइनटीन फोटी सिक्स इन दोनों दोनों ने डेवलप किया था यू कैन अंडरलाइन इट इन योर बुक आप इसको अंडरलाइन कर लें अपनी बुक पे कि ये दो साइंटिस्ट जिनों जिनका नाम है एक का जोन प्रेस्पर और दूसरा जोन डब्ल्यू इन दोनों ने 1946 में कंप्यूटर को डेवलप किया था और कौन से कंप्यूटर को डेवलप किया था एन को सो इट वाज द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये भी मैंने आपको बताया था कि तमाम कंप्यूटर्स के डिफरेंट नेम्स हैं कोई कोई कुछ कंप्यूटर मैकेनिकल कैलकुलेटर्स हैं कुछ कैलकुलेटर्स हैं कुछ डिजिटल कैलकुलेटर्स हैं और ये जो कंप्यूटर है एनी इट वाज द फ़र्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इसको भी नीलाइन कर लेंगे और बुक कि ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ठीक है और आपको इसका फेस या इसका जो स्ट्रक्चर या इसका जो एनी -E है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा इट वाज़ द एनी कंप्यूटर और कौन सा कंप्यूटर है फ़र्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर और कब डेवलप हुआ था इन 1946 हमने आपकी बुक का पहला पैराग्राफ रीड आउट कर लिया कि ये किसने डेवलप किया था जॉन प्रेस्पर और जॉन डब्ल्यू ने और इन 1946 और इट वाज़ द फ़र्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ठीक है इससे पहले हमने मार्क वन को रीड आउट किया था मार्क वन जो था ये उससे थोड़ा सा अपग्रेड कंप्यूटर होगा ठीक है इससे पहले जो कंप्यूटर था मार्क वन ये उससे थोड़ा सा अपग्रेड कंप्यूटर होंगे और उससे पहले जो थी वो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो हमने रीड आउट की थी पाँच ठीक है उसके बाद ये जनरेशन स्टार्ट हुई जिसमें फर्स्ट जनरेशन को हम रीड आउट कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में हमने पहले मार्क वन रीड आउट किया फर्स्ट जनरेशन की हमने करेक्टरिस्टिक्स को रीड आउट किया था कि ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते हैं स्लो इन थे ह्यूज साइज के होते थे इक्वल टू रूम्स होते थे और फिर ये वैक्यूम ट्यूब्स को और पंच कार्ड्स को यूज़ करते थे ठीक है ये भी उसी की जनरेशन का मार्क वन को रीड आउट किया और फिर उसके बाद अब हम एनी एक को रीड आउट करें चलिए अब हम इसके हम दूसरे पॉइंट को ये वाले पॉइंट को रीड आउट करते हैं जिसको हम यहाँ पर स्लाइड में रीड आउट करते हैं चलें इट कंसिस्ट ऑफ एटीन वैक्यूम ट्यूब्स ये एटीन थाउजेंड वैक्यूम ट्यूब्स पर हमने पहले बात की थी कि ये वैक्यूम ट्यूब्स ही है फर्स्ट जनरेशन तो कितनी वैक्यूम ट्यूब्स थी एटीन थाउजेंड वैक्यूम ट्यूब्स ऑक्यूपाइड सिक्सटी थ्री मीटर्स एंड वेट मोर देन ट्वेंटी सेवन थाउजेंड किलोमीटर ये इसका यानी कि स्ट्रक्चर है कि ये कितने वैक्यूम ट्यूब से बना था और इसका वेट और इसका जो एरिया था वो कितना था पा करता था सबसे पहले बताया कि एरिया जो है वो 63 थ्री मीटर्स वेट ट्वेंटी सेवन थाउजेंड किलोमीटर्स और कितनी वैक्यूम ट्यूब्स इसके अंदर यूज़ की जा रही थी डेट वाज एटीन थाउजेंड जी आपने बुक के अंदर इन तमाम पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें ये बुक के यहाँ सेकेंड पैराग्राफ में गिवन है क्या गिवन है कि जो कंप्यूटर था इट कंसिस्ट ऑफ एटीन वैक्यूम ट्यूब्स 63 स्क्वायर मीटर एंड वेट इज़ मोर देन ट्वेंटी सेवन किलोमीटर अब हम बात कर रहे थे कि हमने ये सेकंड कंप्यूटर है तो इसी तरह जो फर्स्ट कंप्यूटर था मार्क वन और ये उसके मुकाबले में थोड़ा सा अपग्रेड होगा और वो किस तरह था चलें ये इन्होंने इस पैराग्राफ के अंदर अब बता दिया है कि ये कैसे उससे थोड़ा सा क्वालिटी के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट था ये वाला पैराग्राफ ठीक है चलिए अब हम इसको स्लाइड पे रीड आउट करते हैं यहाँ पर ये देखें वेयर एज मार्क वन टुक अबाउट फाइव सेकेंड्स फॉर एडिंग टू लार्ज नंबर्स ठीक है जो मार्क वन था हमने रीड आउट किया था उसकी क्वालिटीज के अंदर कि वो किसी भी सोल्यूशन को सोल्व करने के लिए एडिंग करने के लिए एडिशन करने के लिए कोई भी यानी कि रिजल्ट हमें प्रोवाइड करने के लिए टुक्स फाइव सेकेंड्स जो आजकल के कम्प्यूटर जब वो तो माइक्रो 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 सेकेंड्स के में भी आप लोगों को तीन चार पाँच छः परफॉर्मेंस को मैंने आपको बताया था कि हम पाँच छः चीज़ें इकट्ठी कंप्यूटर uh, के अंदर हम ओपन कर लेते हैं उनको मिनिमाइज़ कर देते हैं गेम्स खेल लेते हैं साथ ही हम कुछ पिक्चर्स वग़ैरह को ये वो पाँच छः चीज़ों को हम ईजीली मिनिमाइज़ करके और फुल स्क्रीन करके और इसी तरह हम काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं ना कंप्यूटर लेकिन जो पुराना कंप्यूटर था मार्क वन इट टुक फाइव सेकेंड फॉर वन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी टुक फ़ाइव सेकेंड वो एक प्रॉब्लम के लिए भी फाइव सेकेंड्स को लेते थे लेकिन ये मार्क वन था लेकिन अब एनी के क्या uh, यानी कि क्वालिटी थी इट इट्स क्वालिटी इज़ इट कैन डू इट इन 200 हंड्रेड माइक्रो सेकेंड्स यानी कि सेकेंड्स के भी 200 हंड्रेड माइक्रो सेकेंड्स के अंदर इट कैन परफॉर्म सल्यूशन ऑफ एनी एडिशन ठीक है ये आपका पैराग्राफ यहाँ पर और इसको अंडरलाइन कर लें ठीक है अब हम नेक्स्ट पॉइंट को रीड आउट करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट देखें इट वाज बिल्ड औरिजिनली अब ये किन हमने रीड आउट कर लिया कि इसको किसने डिवेल्प किया कब डिवेल्प किया और ये मार्क वन से क्या इसकी क्वालिटी थी और इसका स्ट्रक्चर क्या था हमने अब हमने देखना है कि इट वाज ओरिजिनली बिल्ड फॉर टू हेल्प द आर्मी ये आर्मी के लिए बनाया गया था इसका जो बेसिक मोटिव था ये मिलिट्री के लिए बनाया गया था फ़ॉर मिसाइल्स और बॉम्ब लॉन्चिंग के लिए ठीक है ये ओरिजिनली डिज़ाइन किया था फ़ॉर आर्मी लॉन्चिंग बॉम्ब एंड मिसाइल्स मोर accurately ठीक है इसका जो बेसिक फंक्शन बेसिक जो पर्पस था बनाने का बेसिक वो आर्मी के लिए बनाया गया था ठीक है इट डिड हैव स्टोर्ड प्रोग्राम ये बात आपने याद रखनी है कि इसके अंदर स्टोर प्रोग्राम नहीं था ये आपको एम वगैरह में पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए बनाया गया था वो आपको पता होना चाहिए कि ये आर्मी के लिए बनाया गया था ठीक है और आर्मी के लिए किस लिए मिज़ाइल्स एंड बॉम्ब लॉन्चिंग्स के लिए उसके बाद ये सेकेंड पॉइंट के इसके अंदर स्टोर प्रोग्राम नहीं था ठीक है इट हैड नोट इट डिड नॉट हैव एनी स्टोर प्रोग्राम इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी स्टोर प्रोग्राम नहीं था ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता था जैसे कि आजकल हम कंप्यूटर्स के अंदर किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं लेकिन ये जो एनी एक था इट वॉज़ नोट स्टोर एनी थिंग ठीक है उसके बाद ये मैनुअली टास्क को परफॉर्म करता था ये किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकता था चलिए आज हमने मार्क वन को रीड आउट किया हमने इसके पॉइंट्स को रीड आउट किया चलिए वन बाय वन देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने मार्क वन का देखा कि एन ई का देखा कि इट वाज डेवलप्ड बाय टू जॉन जॉन प्रेसपर एंड डब्ल्यू जॉन डब्ल्यू इन 1946 इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये इसका स्ट्रक्चर है इट वाज कंसिस्ट ऑफ एटीन हंड्रेड एटीन थाउजेंड वैक्यूम ट्यूब्स ऑकोपाइड सिक्सटी थ्री स्क्र मीटर्स एंड ट्वेंटी सेवन किलोमीटर लोंग उसके बाद इट टुक टू हंड्रेड माइक्रो सैकेंड्स ये टू हंड्रेड माइक्रो सकेंड्स को अपने अंदर यानी कि मैं प्रॉब्लम सोल्व करता था और इसके इट डिड नॉट हैव स्टोर प्रोग्राम इसका कोई भी स्टोर प्रोग्राम नहीं था और ये किस लिए बनाया गया था आर्मी के लिए बनाया गया था ठीक है स्टूडेंट्स आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक रिलेटेड टू एनी ए कम्प्यूटर आपने एनी ए कम्प्यूटर को याद करना है टेक केयर अल्लाफ़